हाय दोस्तों, केरला फ्लेवर चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम पेपर चिकन की रेसिपी देखेंगे। ये बहुत इजी है बनाने के लिए और खाने के लिए तो बहुत टेस्टी है। और ये अपम के साथ खा सकते हैं, नहीं तो इडियपम या चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। अब चलिए देखेंगे इसकी रेसिपी। इसके लिए 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है मैंने। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें 3 क्लोव्स डालना है और एक छोटा सा पीस सिनेमन स्टिक और इलायची एक। अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे, 2 बड़े साइज के चाहिए। और ये ऐसे डाल के फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक ऐसे ही रोस्ट करेंगे हम। अब देखिए कलर चेंज हो गया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा सा जगह बना के उसमें हम हल्दी डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे, सौंफ का पाउडर डालेंगे और काली मिर्च का पाउडर भी डालेंगे। और इसमें ग्रीन चिल्ली या रेड चिल्ली की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई करेंगे तेल में, फिर हम इसमें जो प्याज भी मिक्स करेंगे। अब 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर इसमें नमक ऐड करेंगे। जितना नमक चाहिए उतना अभी ऐड करेंगे हम। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें चिकन डालेंगे। 400 ग्राम का चिकन लिया है मैंने यहाँ पे। और चिकन अगर ज़्यादा ले रहे तो उसके हिसाब से वो मेजरमेंट में चेंज होगा। अब फाइनली थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी ऐड करके हम इसको पकाएंगे। और इसको कुक करते टाइम मीडियम लो पे ही रखना है कुक करने के लिए, क्योंकि ये चिकन या कोई सा भी मीट लो फ्लेम पे किया तो ही टेस्टी बनेगा, नहीं ये तो उतना टेस्टी नहीं रहेगा। इसलिए लो फ्लेम पे रखे ही कुक कर लीजिए। और ये ढक्कन वगैरह नहीं लगा के रख रही हूँ मैं, ऐसे ही ओपन रख रही हूँ। और ऐसे मिक्स करके हम इसको पकाएंगे और इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा पर टेस्टी चिकन मिलेगा, इसलिए ऐसे ही मिक्स करके बना लीजिए। अब देखिए इसमें से तेल वगैरह आने लगा है और बहुत अच्छे से कुक हो गया है। और इतना ही है, बहुत इजी है ये चिकन और कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत टेस्टी चिकन मिलेगा आपको। आप ऐसे ही ट्राई करके देख लीजिए। पेपर चिकन सिंपल रेसिपी शेयर किया है आपके साथ, पर ये तो बहुत टेस्टी है, आप सब लोग ज़रूर ट्राई कर लीजिए। ये सूखा चिकन है, आपको इसमें से ऐसे ग्रेवी वगैरह नहीं बना सकते हैं, सूखा ही अच्छा लगता है। तो आप लोग ऐसे ही बना के देख लीजिए। ट्राई करने के बाद आपके फीडबैक ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना ना भूले और शेयर भी कर लीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।